एबीपीएस न्यूज। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री की आगामी 21 जुलाई को होने वाली किसान कल्याण रैली की तैयारियों का जायजा लिया। मंगलवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 3 घंटे साझापुर में रहे। इस दौरान उन्होंने पार्टी पदाधिकारियों, कार्यकर्ताओं एवं अफसरों की बैठक की। दोपहर करीब 2:10 पे पुलिस लाइन में उनका हेलीकॉप्टर पहुंचा। पुलिस लाइन से मुख्यमंत्री का काफिला करीब 2:25 पर कैबिनेट मंत्री सुरेश खन्ना के राजभवन पहुंचा। यहां से उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र नाथ पांडे, सिंचाई मंत्री धर्मपाल सिंह, नगर विकास मंत्री सुरेश खन्ना, पूर्व केंद्रीय गृह मंत्री चिन्मयानंद के साथ भोजन किया। इससे पहले कई पार्टियों के कार्यकर्ताओं एवं पदाधिकारियों ने उनका स्वागत किया। राजभवन के करीब 2:50 पर योगी का काफिला गन्ना शोध परिषद पहुंचा। लगभग 3 बजे वह भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र नाथ पांडे एवं कैबिनेट मंत्री सुरेश खन्ना, धर्मपाल सिंह के साथ गन्ना शोध परिषद पहुंचे। फिर यहां बैठकों का दौर लगभग 2-3 घंटे तक चला, जहां पहले से साझापुर, बदायूं, बरेली, पीलीभीत, सीतापुर, हरदोई, फरुखाबाद, लखीमपुर और रामपुर से आए पार्टी के जिला अध्यक्ष को पदाधिकारियों के साथ बैठक की। बाद में उन्होंने अधिकारियों के साथ भी बैठक की। मुख्यमंत्री का हेलीकॉप्टर पुलिस लाइन से उड़ान भरकर प्रोजेक्ट सभा स्थल पहुंचा। गन्ना शोध परिषद से शाम 5 बजे के लगभग यहां से वह रैली स्थल के लिए निकले, जहां उन्होंने स्थल का जायजा लेने के बाद अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। करीब 6 बजे लगभग मुख्यमंत्री का हेलीकॉप्टर यहां से लखनऊ के लिए रवाना हो गया।